439 को रोमन नंबर्स में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 439 को ब्रेक करेंगे। कैसे? आप इसको लिखेंगे 500 माइनस 100, याद रहेगा 400, और 39 को आप 39 ही रहने देंगे, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि 500 को बोलते हैं डी, ठीक है। और डी के अगर आप लेफ्ट में सी लिख देंगे, सी मतलब होता है 100, डी मतलब होता है 500, तो हमेशा लेफ्ट में माइनस होता है, तो डी से सी माइनस करेंगे तो 400 आपको मिल जाएगा। अब आपको 39 और दिखाना है, 39 के लिए आप क्या करेंगे, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ही हो गया 30, प्लस 9 के लिए आपको पता है आई एक्स होता है, तो करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा ये। अब आप देखिए, जैसे ऑप्शन फोर्थ दिया है, ये बिल्कुल गलत है, क्यों? देखो डी सी तो ठीक है, 500 में से 100 घटाया ये सही है, पर आप एल से पहले एक्स आई नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है। एल से आप एक्स को घटा सकते हैं, पर आप एल से डायरेक्ट 11 नहीं घटा सकते, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है, डी से पहले सी लिखा है, तो याद इसका मतलब है 500 माइनस 100 डेट इज़ 400, और इधर को ऐड होता है, राइट साइड को ऐड होता है, राइट साइड को होता है ऐड, लेफ्ट साइड को होता है माइनस। उसका रूल क्या है, सबसे पहले था आई, फिर आता है वी, फिर आता है एक्स, फिर आता है एल सी डी और एम। इसका मतलब क्या है, 1 वी का मतलब है 5, एक्स का मतलब है 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब है 100, डी का मतलब है 500, एम का मतलब है 1000। तो आप इस रूल को याद रखेंगे, हमेशा एल से आप इधर के दो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, एल से आप एक्स और वी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वैसे ही एक्स से आप वी और आई को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सी से आप एक्स एल और एक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बस, और डी एम से आप हमेशा डी और सी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो इस बात को आप हमसे याद रखेंगे।